अपने पति के लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है। तीज और हरियाली तीज दोनों एक ही हैं और दोनों हरतालिका व्रत के नाम से जाना जाता है। तीज कहा जाता है, हरियाली व्रत तीज कहा जाता है। अपने माताएं हैं सब अपने अपने घर में मिट्टी के जो है पार्थिव निर्माण करते हैं और पार्थिव निर्माण करके शिव परिवार बनाते हैं। नंदी, कार्तिकेय, गणेश इत्यादि बना करके जो है उनकी पूजा की जाती है और यह पूजा बहुत सरल है, बहुत सहज है। तीज जो है आप दिन में 12 एक बजे तक करिए या शाम तक करें, कोई उसमें किंतु परंतु की बात नहीं है। और तीज जो है दिन भर है और चौकचन जो है चतुर्थी तिथि भी जो है प्रवेश कर रहा है, 11:59 के बाद जो है प्रवेश कर जा रहा है, तो रात्रि में चौकचन मनाया जाएगा। पति पत्नी दोनों साथ में बैठ के पूजन करते हैं। आया है कि बिना पत्नी कथम धर्मः, बिना पत्नी के कोई धर्म नहीं किया जा सकता है। अर्थात इसीलिए जो है पूजन जब करते हैं तो पति पत्नी दोनों बैठ करके पूजन में सम्मिलित हो जाते हैं। कि आप अगर शिव की उपासना करती है तो शिव की उपासना करें, अपने आप को समर्पण भाव से पूजन करें। और शिव शब्द का ही अर्थ होता है कल्याण करना, शिव की उपासना ही है कल्याण करना। और शिव नाम ले लेने से ही कहा गया है कि शिव रटे संकट कटे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सीजल आपके साथ। आज तीज पर्व और चकचंदा पर्व पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य रंजीत नारायण तिवारी। पहले तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की तरफ से। धन्यवाद। जैसा कि है कि कल 18 तारीख को तीज और चकचंदा पर्व दोनों एक साथ है, तो तीज पर्व पर पहले बात करेंगे। तीज पर्व की क्या महत्ता है, सुहागिन लोग क्यों करती है ये पर्व? पहले तो आपके फर्स्ट लुक बिहार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और निरंतर ये चैनल बढ़ता रहे और देश में नाम हो। और तीज क्यों करना चाहिए जो आपका प्रश्न है, तो महिलाएं जो हैं सुहागिन महिलाएं जितने हैं और कुंवारी जो बहने हैं, ये तीज व्रत जो हैं करती हैं। अपने पति के लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है। तीज और हरियाली तीज दोनों एक ही हैं और दोनों हरतालिका व्रत के नाम से जाना जाता है। तीज कहा जाता है, हरियाली व्रत तीज कहा जाता है। तो इसके व्रत करने का अभिप्राय यह है कि अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए यह व्रत किया जाता है। और यह व्रत जो है उपवास रह करके किया जाता है और इसमें जो है इस ऋतु में जो जो फल है वह फल का लोग पूजन में भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान शिव की आराधना की जाती है। जितने माताएं हैं सब अपने अपने घर में मिट्टी के जो है पार्थिव निर्माण करते हैं और पार्थिव निर्माण करके शिव परिवार बनाते हैं। नंदी, कार्तिकेय, गणेश इत्यादि बना करके जो है उनकी पूजा की जाती है और यह पूजा बहुत सरल है, बहुत सहज है, बहुत सहज है और बहुत सरल है। और इस पूजन से उनके पति का जो है लंबी उम्र होती है, इसके लिए तीज किया जाता है। तो इस बार तीज का मुहूर्त क्या रहा है, क्योंकि चकचंदा भी कल ही है, तो कितने बजे से कितने बजे तक तीज का पूजन का मुहूर्त है मेनली, और उसके बाद चकचंदा के पर्व का कितने बजे से मुहूर्त है? देखिए, तीज जो है प्रातः काल से ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के आप दिन भर कर सकती हैं। जिस तिथि का उदय होता है उसी का अस्त होता है। लेकिन तीज जो है आप दिन में 12 एक बजे तक करिए या शाम तक करें, कोई उसमें किंतु परंतु की बात नहीं है। और तीज जो है दिन भर है और चौकचन जो है चतुर्थी तिथि भी जो है प्रवेश कर रहा है, 11:59 के बाद जो है प्रवेश कर जा रहा है, तो रात्रि में चौकचन मनाया जाएगा। तो कल रात में ही चौकचन मनाया जाएगा। तो आज ऐसी मान्यता है पारंपरिक तौर पे कि महिलाएं ही तीज व्रत करती हैं, लेकिन अब नए दौर में पुरुष भी इस व्रत को अपनी पत्नियों की लंबी आयु के लिए, उनकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए करना शुरू किया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पति पत्नी दोनों साथ में बैठ के पूजन करते हैं। आया है कि बिना पत्नी कथम धर्मः, बिना पत्नी के कोई धर्म नहीं किया जा सकता है।
अर्थात इसीलिए जो है पूजन जब करते हैं तो पति पत्नी दोनों बैठ करके पूजन में सम्मिलित हो जाते हैं और कथा श्रवण करते हैं। कथा तो सभी को श्रवण करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पति जो है अपने पत्नी की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। पत्नी ही करती हैं अपने पति की दीर्घजीवी के लिए, लंबी आयु होने के लिए यह व्रत करती हैं। और ऐसी इस कथा में क्या ऐसी मूल बात कही गई है जो गृहस्थ जीवन में हर किसी को लागू करनी चाहिए? देखिए, यह कथा इसमें बहुत सहज है कि आप जो है इस कथा से यह सीख मिलती है कि संकल्प मूलः काम्यो वैयज्ञः संकल्प संभवः वर्तानीयम् धर्मायश्च सर्वे संकल्प दास्मृताः, कि संकल्प जो है मन में होना चाहिए, इच्छा को ही संकल्प कहते हैं। मन में जो संकल्प कर लिए वही पूजन का भाव है, वही उद्देश्य है, वही लक्ष्य है। मन में जो लक्ष्य आप संकल्प के रूप में इच्छित करती हैं वही संकल्प हो जाता है। तो मन में जो संकल्प किए उसको आप पूर्ण साकार करें, इसके पूजन का यही भाव है कि आप अगर शिव की उपासना करती है तो शिव की उपासना करें, अपने आप को समर्पण भाव से पूजन करें। और शिव शब्द का ही अर्थ होता है कल्याण करना, शिव की उपासना ही है कल्याण करना। और शिव नाम ले लेने से ही कहा गया है कि शिव रटे संकट कटे, कि शिव के नाम से जो है सभी संकट कट जाते हैं। इसलिए शिव की आराधना जो है कलयुग में उत्तमोत्तम है और सर्वाधिक फल देने वाला, अभीष्ट फल देने वाला जो है शिव की उपासना है। हम तो कहेंगे कि भाई सभी को शिव की उपासना करनी चाहिए, बच्चों से भी एक लोटा जल अर्पित करवाइए, एक जल पात्र में जल भर करके शिव पर अर्पण करें, और पति पत्नी माताएं बहन सभी जल अर्पण करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि हमने बात किया आचार्य डॉक्टर रंजीत तिवारी से तीज पर्व पर और चतुर्थी पर्व पर, जिसमें उन्होंने मुहूर्त के भी बारे में बताया और साथ ही महत्ता की भी चर्चा की है। और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।